सीजन फोर्थ का चैंपियन बनने के लिए जबकि 3 विकेटों की दूरी पर टारगेट शायद आपका सेक्शन ने हासिल किया था। सामने आप मेरे साथ बारामूला भी जाते हो, नॉर्थ कश्मीर भी, आप लोगों उनकी पहली पसंद है, उमर आलम भी आपको खिलाता है। भाई साहब कबूल तो आगे करो, ये ट्रॉफी हो चुकी, अगर आप सब कुछ लागो अगले के सब से इंसान कर लो। इस जो एरिया है यहाँ के एरिया की एक नंबर वन लीग मानी जाती है, आर1 क्रिकेट लीग। इसका इनाकार 24 टीमों से हुआ था और 118 मैच टोटल इसके खेले गए और आज इसका फाइनल मैच बड़ी जोर शोर से खेला जा रहा है शादाब कंस्ट्रक्शन और ब्रदर 11 की टीम के दरमियान। अगर बात करेंगे इन दोनों टीम्स की तो इन दोनों टीमों ने बहुत अच्छा पूरी टूर्नामेंट में खेला, खासकर ब्रदर 11 की बात करेंगे, छोटे लड़के इसमें उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई पूरी टीम है। और रही बात शादाब कंस्ट्रक्शन की, वो भी बहुत एक्सपीरियंस टीम है, उनमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो उन्होंने आज इस फाइनल मैच को यकीनी तौर पर एक फाइनल मैच की तरफ बनाया है। तो इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर कितनी टीमें थी और कितने मैच मुनक्कद किए गए? इसमें कुल मिलाकर 24 टीमें थी जो कि 3 पूल में डिवाइड की गई थी। तो उसके बाद 118 मैच इसका एक पूरा ही पहला राउंड हुआ था, उसके बाद दूसरी लीग भी हुई, दूसरा राउंड भी हुआ, उसके बाद एक और राउंड हुआ, लास्ट में प्ले ऑफ्स में 4 टीमें आई। तो पहले जैसे IPL फॉर्मेट में होता है कि 4 टीमें, उन्होंने क्या किया कि पहले दो जो टॉप 2 थी उन्होंने सेमीफाइनल खेला आपस में, जो जिन्होंने जीता और वो जाके पहले ही अपना स्पॉट फाइनल में ले लिया था। उसके बाद नीचे दो टीमें उन्होंने एलिमिनेटर खेल कर दूसरा क्वालिफाई खेल कर फिर यहाँ पे फाइनल मैच खेलने के लिए पहुँचे। तो कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए? मैचेस इसमें कुल मिलाकर 125 मैचेस हुए विद लीग मैच के साथ साथ और नॉकआउट स्टेजेस के साथ। तो आप हमें ये बताएं जो रनर अप टीम इस वक्त होगी उन्हें क्या प्राइस दिया जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली आई गेस 1 लाख से ऊपर ही होगा जितना जो रनर अप की टीम होगी, तो उनका जो प्राइस अमाउंट है दैट इज आई गेस 1 लाख से ऊपर होगा। एंड रही बात विनर्स की, दैट मस्ट बी अराउंड 2 लाख और 175 to 2 लाख ही उनका यही अमाउंट प्राइस अमाउंट होगा। तो ये हार्वन क्रिकेट लीग का कौन सा एडिशन है? क्रिकेट लीग का ये चौथा सक्सेसफुल एडिशन आज इतने दाम होने लगा। इससे पहले 3 एडिशन हुए थे, 2016 में इसका सबसे पहला एडिशन खेला गया, उसके बाद 2017 में खेला गया और हालांकि फिर 1-2 साल गैप रहा, फिर 2021 में इसका 3rd एडिशन खेला गया और आज 2022 में इसका जो है वो 4th एडिशन सक्सेसफुल आज कम्प्लीट हुआ। तो इसके बाद क्या प्रोग्राम है? इसके बाद एक और यहाँ पे लीग चल रही है, CCPL का 3rd एडिशन चल रहा है, तो वो खत्म होने के बाद अगले साल फिर वो अप्रोक्सीमेटली नवंबर तक चलेगा, उसके बाद फिर से HCL की तैयारियां शुरू हो जाएगी, HCL एडिशन 5 की तैयारियां। शुक्रिया आपका।